सब गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आज भाई तुम सोचोगे फॉर्मल्स पहन के खड़ा है, तो मैं आपको बता दूं मेरा आज इंटरव्यू है। एंड इंटरव्यू कहाँ है तो भी रेली होने से मुझे भी नहीं पता, बट ये कि मैंने कंपनी के बारे में देखा तो कुछ केटरिंग सर्विसेज की हैं, तो मतलब केटरिंग जॉब्स ही होगी ज़्यादा। बाकी देखते हैं, बना रहे हैं ब्रेकफास्ट, दूध उसमें ओट्स और दो अंडे ऑमलेट। तो आपको ब्रेकफास्ट बना के दिखाएंगे, थोड़ा सा खाओगे तो खिला भी देंगे किसी दिन। भाई सुबह सुबह तैयार होने में ना मुझे इतना आलस आता है ना, नींद भर भर के आती है। फॉर्मल पहनने में अच्छा लगता है, और मतलब पॉजिटिव रहता है इंसान। ये मेरे जैसे और बच्चे कैसे बनाते हैं बाहर आके। यहाँ गैस चला दी तो वेरी गुड फॉर इट। अंडे तोड़ देंगे, जिसकी आवाज सुन रहे हो तो क्या आवाज है, फट गया यार। पता है पहले क्लास है, अभी सुबह सुबह 11 बजे क्लास, इसे इतनी सुबह नहीं है मगर 11 बजे यार, मतलब होता है ना रात को लेट सोता है, नींद पूरी नहीं होती। सूरज हाँ, तो क्लास के बाद 11 बजे से 1 बजे क्लास है 2 घंटे की, फिर मेरे को 2 बजे भागना पड़ेगा सिटी सेंटर, वहाँ पे मेरा इंटरव्यू है। प्रे फॉर मी गाइस, मेरा इंटरव्यू क्लियर हो जाए और मैं आपको जल्दी से खुशखबरी सुनाऊँ। देखो मेरे ऑमलेट को भाई, बड़े मुश्किल से बना है। सब एकदम सिंपल बनाती है। अब ये सारे लोग भी जो अप्लाई हुए हैं वेट कर रहे हैं भाई।
नीचे बोर्ड स्पीकर, यहाँ पे सारे क्लोज नीचे। सो गाइज इंटरव्यू इज डन एंड इट वॉज काइंड ऑफ ग्रुप डिस्कशन। पता नहीं कैसे मैंने एक समझ नहीं आया उन्होंने किस बेसिस पे वो क्या करना चाह रहे थे। उन्होंने एक क्या बोलते हैं उसे ग्रुप में बैठाया। दे आस्क्ड अस टू लाइक टॉक टू द पर्सन नेक्स्ट टू यू एंड आस्क्ड अस की वी इंट्रोड्यूस ईच अदर टू देम एंड देन दे आस्क्ड अस टू इंट्रोड्यूस आवरसेल्फ एंड उसके बाद उन्होंने कुछ ब्रीफिंग दी अपनी फर्म के बारे में। एक्चुअली एजेंसी है ये, तो ये लोग लाइक दे उनके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हमसे होता है और क्लाइंट से होता है सीधा, तो ये लोग रिक्रूट करके भेजते हैं। तो फिर हमें हमें सिर्फ इनसे कॉन्टैक्ट रखना है, हमें कोई उससे ये मिडल मैन का काम कर रहे हैं, ठीक है। एंड नॉर्मल पे रेट जो इनका 10-11 पॉइंट समथिंग है, ठीक है। एंड इट डिपेंड्स ऑन द वर्क यू आर डूइंग हियर एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अभी इन लोगों ने हमारे ऑब्वियसली नाम वाम लिया, तो फिर देखते हैं क्या आता है कि नहीं मेल। दे आस्क्ड अस की 5 बजे तक शाम को बताएंगे वी आर सिलेक्टेड और नॉट, बट मौसम अच्छा हो रखा है, थोड़ा सा भूख लग रही है अब, बट देखते हैं क्या खाते हैं यार, समझ नहीं आ रहा थोड़ा हिसाब किताब। बट एक मुझे ऐसा लग रहा है जॉब वॉब तो है बट एक ही शिफ्ट विफ्ट निकलती है, तो यू हैव टू सिलेक्ट द शिफ्ट एंड मिडल मैन का काम कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली अगर इनको 14 पाउंड की जो जॉब है वो हमें उसमें से सिर्फ 11 या 10 पाउंड मिलेंगे। बट एक मुझे ऐसा लग रहा है कि स्टार्ट करने के लिए तो ठीक ही है, बाकी अपने भाई धीरे से भाई से पूछेंगे जो यहाँ पे काम कर ही रहे हैं, क्योंकि अब देखो सीवी तो बनाना है, अब बैठे तो रहना नहीं घर पे, तो काम तो स्टार्ट करना ही पड़ेगा। एंड ज़्यादा दूर भी नहीं है ये वाला वैसे, बट इनके जो जॉब्स होती हैं उनकी लोकेशन थोड़ा इधर उधर होती है, उस चीज़ में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। तो अभी और भी जगह अप्लाई कर देंगे यार, क्योंकि मुझे थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है। फ्लेक्सिबल तो है बट अपार्ट फ्रॉम दैट और भी चीज़ें होती हैं, देखते हैं। Look at this beauty, यार नहीं है थक गया बहुत ज़्यादा, पूरा आउटफिट है भाई, ये आउटफिट आज पूरा फॉर्मल लुक्स लिए अपने, सोचा कि इम्प्रेस करूँगा HR को, मगर खुद भी इम्प्रेस करके बैठा हुआ। आई डोंट नो वो बंदी मेल आएगा कि नहीं, बट मुझे लगता है मेल आ ही जाएगा, दे वांट टू प्रोवाइड अस सम ट्रेनिंग एंड स्टफ फॉर दैट आई गेस फर्स्ट देन विल सेंड अस एंड आई गेस। सो गाइस मेरे पीछे चर्च है एंड इस चर्च में जाने का मौका नहीं मिल रहा है, और इस चर्च के बिल्कुल सामने मेरी अकोमोडेशन है, जाएंगे किस दिन उसका टूर देंगे। और ये पीछे जो लिवरपूल सिटी की बस दिख रही है येलो कलर की, इसमें भी घुमाएंगे आपको सबको, लिवरपूल के नज़ारे दिखाएंगे। थोड़ा सा फ्री टाइम नहीं मिल रहा है बिकॉज बहुत गौच पौच हो रखा है स्टडीज एंड जॉब वगैरह ढूंढने में, इवन अभी जैसे ब्लॉग्स भी थोड़ा थोड़ा लेट हो रहे हैं मेरे, सॉरी फॉर डैट। बट या एक बार थोड़ा सा सेटिंग बैठ जाए ढंग से तो एवरीथिंग विल कम ऑन ट्रैक, डोंट वरी, स्टे ट्यून्ड।